दुर्लभ कश्यप, ये नाम तो आपने सुना होगा। आखिर कौन था दुर्लभ कश्यप और कहाँ का रहने वाला था, और इस लड़के के साथ क्या हुआ, और अभी ये कहाँ है? तो आपको बता दें कि दुर्लभ कश्यप एक ऐसा लड़का था जो कि बहुत ही कम उम्र में जुर्म की दुनिया में कदम रखा था, और देखते ही देखते जुर्म की दुनिया में दुर्लभ कश्यप एक बहुत ही बड़ा बादशाह बन गया। दुर्लभ कश्यप अपनी आंखों में काजल लगाता था और माथे पे लाल टीका लगाता था और गले में काला गमछा रखता था। आपको बता दें दुर्लभ कश्यप का गैंग भी दुर्लभ कश्यप के जैसे ही माथे पर लाल टीका, आंखों में काजल और गले में काला गमछा रखता था। लोगों को डराना, धमकी देना, लूटपाट करना, ये सब करता था दुर्लभ कश्यप। दुर्लभ कश्यप का उम्र 17 साल था, उज्जैन का रहने वाला था। वह ज्यादातर फेसबुक पर एक्टिव रहता था। साल 2018 को सचिन अतुलकर द्वारा दुर्लभ कश्यप को गिरफ्तार कर लिया गया और दुर्लभ कश्यप के 2 साल जेल में रहने के बाद बाहर आया। एक दिन रात 1 बजे दुर्लभ कश्यप और उसके कुछ दोस्त चाय के दुकान में जाते हैं चाय पीने के लिए। इसी बीच दुर्लभ कश्यप का एक लड़के के साथ झगड़ा हो जाता है और दुर्लभ कश्यप का सारा दोस्त भाग जाता है और उस लड़के का सारा दोस्त दुर्लभ कश्यप को घेर लेता है और दुर्लभ कश्यप को चाकू से मार मार कर वहीं पर दुर्लभ कश्यप की हत्या कर देता है। तो ये थी पूरी कहानी दुर्लभ कश्यप की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।